हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल श्री अनंता ट्यूटोरियल्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी विटामिन्स के बारे में, ठीक है। विटामिन कितने प्रकार की होते हैं और उसके साइंटिफिक नेम क्या है। सबसे पहले आपको उसका साइंटिफिक नेम जानना जरूरी है, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट मैं आपको बताती जाऊंगी उसकी डिटेल्स और डिजीजेस के बारे में। काफ़ी सारी चीज़ें मैं आगे बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप अलर्ट होके जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ उन्हें आप देखिए। तो विटामिन जो होते हैं वो आहार के जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। अब विटामिन के प्रकार क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है। प्रकार कौन कौन से हैं, आप इसे अपनी कॉपी में भी बनाते चलिए, ठीक है। तो आपके नोट्स में आपको काम आने वाला है ये। सबसे पहले क्या होता है, जल में घुलनशील, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, वसा में घुलनशील। ठीक, वसा में जो घुलनशील होते हैं और जल में घुलनशील, जल में आप जो घुलनशील होते हैं उनको आप इंग्लिश में कहते हैं वाटर सॉल्युबल, ठीक है। और जो वसा में घुलनशील हुए उनको कहा गया फैट सॉल्युबल। अब जो जल में घुलनशील होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसको देखिए आप। तो विटामिन बी एंड सी। और जो वसा में घुलनशील होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए डी ई एंड के, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके साइंटिफिक, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक चीज पढ़ रहे हैं तो इसका पहले हमें जानना जरूरी है कि साइंटिफिक नेम इसका क्या होगा। तो विटामिन बी का साइंटिफिक नेम, आप बी को क्या कहते हैं। अब बी में भी ये जो बी कॉम्प्लेक्स होता है उसमें बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर, सॉरी बी फाइव, बी सिक्स, बी सेवन। अभी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी, पहले आप इतना देखिए। तो बी वन को क्या बोला, इसको क्या बोला जाता है, थायमिन, ठीक है। मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, हिंदी में भी, जिससे आपको क्लियर रहे। थायमिन, बी टू को क्या बोला, ये हो गया आपका थायमिन, दूसरा हो गया रिबोफ्लेविन, इसे आप राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, जो आपने इंग्लिश में बोला उसी को केवल हिंदी में आपको लिखना है, क्योंकि जो साइंटिफिक नेम होते हैं जनरली वही होते हैं, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। और नेक्स्ट क्या हुआ आपका, विटामिन बी थ्री को क्या बोला, सबसे पहले थायमिन हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया और फिर नियासिन। नियासिन को हम केवल नियासिन ही नहीं कहते, एग्जाम में जब आता है तो काफ़ी सारे नामों से इसको बुलाया जाता है। जैसे आप क्या कह सकते हैं, निकोटिनिक एसिड कह सकते हैं और निकोटिनामाइड भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इसे क्या हुआ, नियासिन। अब विटामिन बी फाइव को क्या बोला गया, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड। नेक्स्ट क्या हुआ, आप विटामिन बी सिक्स को क्या लिख सकते हैं, पाइरिडॉक्सिन। ये याद करना तो थोड़ा टफ होता है, लेकिन आप जब एक ही शब्द को काफ़ी सारे बार रिपीट करते हैं तो आपके लिए याद करना इजी हो जाता है। और विटामिन बी सेवन क्या हुआ आपका, बायोटिन। अब यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम पड़ेगी तो फिर मैं आपको जो है बताओ, अभी और भी हैं उसे मैं बता देती हूँ, ठीक है। इतना आपने अगर नोट कर लिया हो तो ठीक है, मैं ऐसे रब करने जा रही हूँ
उसके बाद मैं आपको और ही बताऊंगी सी ए डी ई के बारे में, ठीक है। चलिए, अगर आपको समझ में ना आया हो कोई चीज तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख के मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझ में आया है। तो मैंने आपको बताया था पीछे विटामिन B7 के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए विटामिन, ठीक है, और यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम आपको अब हमें बताना है किसका, विटामिन B7 का। B7 को क्या कहते हैं? B7 को हम बायोटिन कहते हैं। आप उसको हिंदी में भी, वही मैंने आपको बताया भी कि जिसका साइंटिफिक नेम इंग्लिश में जो रहता है वही उसका हिंदी में भी लिख लिया जाता है। अब नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 को हम क्या कहते हैं? साइनोकोबालमिन भी कहते हैं और कोबालमिन भी कहते हैं, जैसा भी एग्जाम में आ जाए तो उससे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। जहां पे भी कोबालमिन लिखा रहेगा इट मीन्स कि वो आपका क्या हो जाएगा, विटामिन B12 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या दे, अभी जो आपने पढ़ा वो अच्छा, अभी एक आपका और छूट गया है विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी जो सबको ही पता है विटामिन सी के बारे में, इसका साइंटिफिक नेम जनरली नहीं पता रहता है, तो साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा इसका? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी कहाँ पे ज्यादा आपको मिलेगा? आपकी जो भोज्य पदार्थ आप खा रहे हैं, तो जो भी आप इनटेक कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा खट्टी चीजों में होता है, ठीक है। तो खट्टी चीजों में, अब जो खट्टी चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं? वो सबसे पहले सबसे ज्यादा विटामिन किस में पाया जाता है आपका? आंवले में, ठीक है। विटामिन सी आंवले में पाया जाता है, और जो नींबू है, संतरा है, जितनी भी खट्टी चीजें हैं उसमें आपका विटामिन सी होगा। अभी मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट बताती भी चलूंगी, एक के बाद एक मैं आपको जो वीडियो दूंगी, लेक्चर दूंगी, उसमें क्या डिजीजेस होती हैं, किसमें क्या पाया जाता है, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले आप बेसिक चीजें देखिए कि इनके साइंटिफिक नेम क्या होते हैं। अब ये आपने पढ़ा है जल में घुलनशील, अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? फैट सॉल्युबल, ठीक है, फैट सॉल्युबल। अब फैट सॉल्युबल कौन कौन से हुए? सबसे पहले हमने आपको बताया था, चलिए बताते भी चलिए मेरे साथ, विटामिन ए। विटामिन ए को क्या बोला गया? रेटिनॉल। नेक्स्ट क्या हुआ? विटामिन ए डी ई के, बताया था ना मैंने आपको। तो विटामिन डी को क्या कहा गया? कैल्सीफेरॉल। और नेक्स्ट क्या हुआ? विटामिन डी, विटामिन ई, ई को क्या कहा गया? ई थोड़ा सा टफ होता है, जनरली याद भी नहीं होता है जल्दी, तो उसे आप जब एक ही शब्द को बहुत बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो वो क्या हो गया आपका? टोकोफेरॉल, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो बचा वो क्या बचा? विटामिन बताइए क्या बचा? ए डी ई एंड के। तो ये सारे विटामिन आपके क्या हो गए? वो वसा में घुलनशील, फैट सोलेबल हुए। तो उसे क्या बोला गया? फाइलोक्विनोन, ठीक है। अब इतना ये जो आपका मैंने बताया ये आपका था फैट सोलेबल। तो आई होप कि आपको जितनी भी साइंटिफिक नेम है वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, मैंने बहुत क्लियरली इसमें बता भी दिया है। तो आप पहले आप इसको याद करिए, उसके बाद जब इसकी डिजीजेस होती हैं उसके क्या, इसमें किस खाने में क्या आप खाएं कि कौन सा विटामिन आपको जो मिले, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। तो आप पहले इसको देखिए और अधिक से अधिक आप शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, कमेंट सेक्शन पे लिखिए आपको कुछ नहीं, अगर नहीं समझ में आता है तो उसमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ठीक है, जिससे कि जितने भी मैं आपको वीडियो डालते जाऊँ नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपको मिलता भी जाए, और आप खोल के भी देखिए
इस चैनल को कि मैंने आपको नेक्स्ट कौन सा लेक्चर दिया हुआ है। ठीक है, ओके, थैंक यू।